बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से खुशामदीद, मैं हूं सोनिया शेख। न्यूज़ हेडलाइंस आपने जानी, अहम खबर शामिल करें। डेप्यूटी चेयरमैन जाहिर शाह को चेयरमैन नैब का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नए चेयरमैन नैब की तैनाती तक बतौर नैब अपने फराइज सर अंजाम देंगे। तो आपको बताते चलें कि डेप्यूटी चेयरमैन जाहिर शाह को चेयरमैन नैब का इजाफी चार्ज दे दिया गया है और नए चेयरमैन नैब की तैनाती तक बतौर चेयरमैन नैब फराइज सर अंजाम देंगे। इसी हवाले से मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे एहतशाम अली अब्बासी से। एहतशाम, ये बताइएगा कि डेप्यूटी चेयरमैन नैब को इजाफी चार्ज दे दिया गया है, इनके बारे में मजीद बताएं कि ये कहां कहां अपनी खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। हाँ जी बिल्कुल, जो डेप्यूटी चेयरमैन नैब है जाहिर शाह, ये इस वक्त जो है नैब में ही थे और वो जो है डेप्यूटी चेयरमैन थे, उनको चेयरमैन नैब के जो है इजाफी फराइज दे दिए गए हैं और अब वो चेयरमैन नैब हैं और इसका बाकायदा नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया गया है। मैं आपको बताता चलूँ, इससे कबल आफ्ताब सुल्तान चेयरमैन नैब थे, जिन्होंने अपने तहफात जो है जाहिर किए थे और उन्होंने बताया था कि उनके ऊपर दबाव था, मुख्तलिफ इदारे जो है इंटरफेयर करते थे, उसके साथ साथ जो है इमरान खान के खिलाफ केस बनाने का दबाव था, तो उस हवाले से उन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया था। और उसके बाद जिस दिन ये खबर आई थी उसी दिन इमरान खान को नैब की तरफ से नोटिस भी जारी हुआ था, तो आज जो है इनका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी हुआ है। जो डिप्टी चेयरमैन नैब जाहिर शाह हैं उनको चेयरमैन नैब का इजाफी चार्ज दे दिए गए। जी ठीक है। अच्छा, ये भी बताते चलें कि इससे पहले जो आफ्ताब सुल्तान चेयरमैन नैब थे, उनके बाद क्या ये जो अभी चेयरमैन नैब तैनात हुए हैं, क्या ये अपने फ़राइज़ उस तरह से आज़ादी के साथ सर अंजाम दे सकेंगे, क्या इन पर कोई दबाव नहीं होगा? इससे कबल जो चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान को लगाया गया था तो उनको भी एक प्रॉपर एक मकसद के लिए चेयरमैन नैब लगाया गया था, लेकिन उन्होंने जो उनको केसेस ऐसे केसेस उनको क्योंकि आखिरी जो उन्होंने खताब किया तो उसमें उन्होंने अपने ऑफिसर को बताया कि यहाँ पर छोटे छोटे जो प्लाट लेते हैं उनके खिलाफ केस बनाने का दबाव होता है और जिन्होंने अरबों रुपये करप्शन की है उनके खिलाफ केस नहीं बनाए जाते। तो उन्होंने जब देखा कि उनको जो असल जो उनका मकसद है नैब का उस पर वो दूर जा रहे थे और उन पर जो है दबाव था कि फेक केस बनाएं और जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने उनको पकड़े। डेप्यूटी चेयरमैन नैब को चेयरमैन नैब तैनात कर दिया गया है। एहतशाम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह और अब आप मुझे देख सकते हैं सिर्फ बोल न्यूज़ पर। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। छह टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई, ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।